जय श्री राम। मेरा नाम है रति पांडे और मेरा तो मैं क्या कहूँ कि मेरा भाग्य ही खुल गया कि मैं आज बाबा के साक्षात दर्शन होंगे। और मेरी माँ बहुत ही ज़्यादा मतलब उत्सुक थी मिलने के लिए उनके साथ से। जैसे ही मुझे पता चला कि बाबा यहाँ आए हुए हैं तो मैं अपनी टीम के साथ, मेरी मम्मी के साथ मैं यहाँ पर आई हूँ बाबा से आशीर्वाद लेने के लिए। और बस मैं चाहती हूँ कि आज उनसे मुलाकात हो जाए, लेकिन आज बहुत हड़बड़ी में है बाबा, इसीलिए शायद पर्सनली मैं नहीं मिल पाऊँगी। गुरुजी से मिलने के लिए आपने भोजपुरी एक्टर बताया गया कि आप भोजपुरी एक्टर, क्या कहना चाहेंगी? बालीपुर बाबा कब से फॉलो कर रही हैं और क्या अच्छा लगता है? मैं 17 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ और मैं हिंदी इंडस्ट्री से बिलोंग करती हूँ और ये मेरा पहला भोजपुरी फिल्म है डेब्यू खेसारी लाल जी के साथ, और उनके साथ दूसरी मूवी भी मेरी आ रही है, तो उनका आशीर्वाद तो इसके लिए लेने ज़रूर हम आए हैं। प्लस बाबा को मैंने मेरे ख्याल से 1-1.5 साल पहले मैंने वीडियोस में देखा और मैं देख के उनके वीडियोस सच में दंग रह गई थी। जिस तरह से उनके अंदर जो हनुमान जी का जो वो पार, पता नहीं मैं रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मतलब मुझे उनसे मिलने में भी डर लग रहा है अभी। मतलब जो बातें वो जान जाते हैं लोगों, इंसान के अंदर क्या बातें चल रही हैं, या वो जिस तरह से भांप लेते हैं और उसकी ज़िंदगी में, दिनचर्या में जो भी चल रहा है वो सब कैसे जान जाते हैं, वो मतलब आश्चर्यचकित है। और मैं सबसे ज़्यादा हनुमान जी की भक्त हूँ और मेरी पूरी फैमिली हनुमान जी की भक्त है। हम लोग हनुमान जी के साथ साथ शिव पूजा भी करते हैं। मेरी माँ बहुत मतलब आराधना करती हैं, उन्होंने नारियल में वो लाल कपड़ा लपेट के उन्होंने अर्जी भी लगा कर रखी है और आज वो आश्चर्यचकित हो गई कि मैं इतनी आसानी से मतलब गुरुजी से मिलूँगी आज। तो ये हमारा सौभाग्य है कि आज हम बम्बई में रहकर गुरुजी से मेरी मुलाकात होगी, लेकिन हाँ मैं गुरुजी से पर्सनली मिलना ज़रूर चाहूँगी। वैज्ञानिक युग में आप क्या मानती हैं कि बिना पूछे बिना किसी के परिचय बताएंगे? देखिए मैं एक शक्ति में बिलीव करती हूँ, मैं एक शक्ति में विश्वास करती हूँ और भगवान में तो आस्था रखते ही हैं हम लोग। मैं खुद एक ब्राह्मण समाज से हूँ और मैं खुद सनातन धर्म पे बिलीव करती हूँ कि हमारा देश सनातन ही होना चाहिए। और जिस ब्राह्मण परिवार से मैं बिलोंग करती हूँ, मैंने हमेशा बचपन से ही पूजा पाठ होते हुए देखा है, भगवान में श्रद्धा देखी है। मैं भले ही ज़्यादा पूजा पाठ ना करूँ, मुझे लेकिन पता है कि अगर आंख बंद करके मैं हनुमान जी का ध्यान करूँ, मेरी बहुत सारी बाधाएं मतलब टली हैं। और अभी रिसेंटली मेरे पापा, मैं स्पेशली बाबा से यही मिलने के लिए आई थी, मेरे पापा की तबीयत बहुत ख़राब चल रही थी और मेरे ख्याल से ऐसी चीज़ें कॉम्प्लिकेशंस हुई हैं उनकी लाइफ में। अभी पिछले 3 महीने हमारे बहुत हालत ख़राब थी उनके सेहत को लेकर, और एक हनुमान जी और जय श्री राम का बस एक बोल जाप करने के बाद ही मतलब हर चीज़ बदल गई। मैंने ये देखा है, मतलब पेट स्कैन से लेके बहुत सारी चीज़ें, एक्सरे रिपोर्ट से लेके, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट से लेके, जहाँ जहाँ हम डर रहे थे कि ये चीज़ ना आ जाए, वो सारी चीज़ें चेंज हो गई और मेरे पापा को आज पता ही नहीं चला कि वो इतने बड़े ऑपरेशन से गुजर चुके हैं। तो मेरे ख्याल से वो पावर तो ज़रूर है। गुरुजी, हिंदू राष्ट्र के लिए बात करते हैं तो महिलाओं का और आप एक एक्टर होने के नाते किस प्रकार से आपका सहयोग है? मेरा फुल सहयोग है, मैं एक हिंदू समाज से बिलोंग करती हूँ, मैं बिल्कुल सनातन धर्म से परिचित हूँ और हम लोग तो बिल्कुल, मैं चाहती हूँ कि हमारा राष्ट्र एक सनातन राष्ट्र कहलाया जाए, हिंदू राष्ट्र कहलाया जाए। और जिस तरह से बाकी धर्म निभाए जाते हैं लोग, जितने कट्टरपंथी होते हैं अपने धर्म के लिए, मुझे लगता है कि हम हिंदू होते हुए बहुत सारे लोगों को ऐसा ये बताना पड़ेगा कि हमको भी इस तरह अपने धर्म के लिए कट्टर होना पड़ेगा। कट्टर मतलब वो विश्वास रखना पड़ेगा, क्योंकि जो है वो बस राम जी के भरोसे ही है। तो बिल्कुल मेरी पूरी आस्था और श्रद्धा हमारे भगवान, जितने भी भगवान हैं उनके लिए है और मैं हमेशा उनके लिए ही रहूँगी। आपने कहा जो भी है राम जी के भरोसे है, बिल्कुल रामलला अपराध है, बिल्कुल। और हमारी पिक्चर की हमारा पिक्चर का जो एक गाना है हनुमान जी पे ही है और सनातन धर्म के ही ऊपर है, जो कि दलेर मेहंदी ने गाया है। और आज शाम को बाबा की कृपा से, गुरु जी की कृपा से और हनुमान जी की कृपा से आज ये रिलीज़ होने जा रहा है। तो बहुत ही भव्य तरीके से शूट किया गया है, हमारी जो फिल्म है बहुत बड़ी फिल्म है,
कम से कम 8-9 करोड़ की फिल्म अभी हो गई है, भोजपुरी की सबसे बड़ी फिल्म मानी जा रही है, और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं इस फिल्म का एक हिस्सा हूँ। और बस बाबा का आशीर्वाद चाहिए कि हम बस ऐसे ही हम क्या मैं बाबा बहुत हलती फुलती रहूं और आपका आशीर्वाद हमारे साथ हमेशा बरकरार रहे। थैंक यू।